हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम को हम ग्राफ की हेल्प से समझेंगे, राइट? तो यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम डिस्कस करनी है वो है टू फाइंड द लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू पाई, राइट? तो यहाँ पर हम इस लिमिट को डिस्कस करेंगे साइन एक्स के ग्राफ की हेल्प से। और देखिए, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले इस फंक्शन की व्हेन एक्स टेंड्स टू पाई, एंड देन विल कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट, राइट? सो द लेफ्ट हैंड लिमिट इज डिनोटेड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, और राइट हैंड लिमिट को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, राइट? तो ग्राफ की मदद से हम देखेंगे कि जो फंक्शन हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, और क्या ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये एक रफ ग्राफ है, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया, फिर यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई, एंड देन विल हैव हियर 3 पाई बाई 2, एंड देन हियर वी हैव 2 पाई, राइट? तो यहाँ पर हमने साइन एक्स की एक साइकिल जो है वो ड्रॉ कर ली है, राइट? तो अब इस ग्राफ की मदद से हम देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, इसकी वैल्यूज क्या आएंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट? तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स की वैल्यू पाई माइनस एच सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट? तो जहाँ पर एच जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, राइट? तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम पॉइंट लेंगे पाई माइनस एच, राइट? तो ये जो पॉइंट पाई माइनस एच होगा वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा, राइट? तो ये पॉइंट हमारा पाई माइनस एच हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर साइन पाई माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? तो साइन पाई माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से जो है हम इस कर्व को ज्वाइन करेंगे, राइट? तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो लाइन है वो आ जाएगी। तो साइन पाई माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, राइट? तो अगर हम इस पॉइंट को ए मान लें और इस पॉइंट को यहाँ पर बी मान लेते हैं, राइट? तो ए बी जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, राइट? और एक बात यहाँ पर हम और लिखेंगे कि जो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, राइट? सो साइन एक्स लाइज बिटवीन +1 एंड -1, राइट? ओके, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एच पर जो साइन पाई माइनस एच है उसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी 0 से b तक, राइट? तो ये वैल्यू जो होगी साइन पाई माइनस एच की आएगी। तो अगर हम जो ओरिजिन है इसको हम पॉइंट ओ मान लें तो ये ओ बी हो जाएगा, राइट? तो ओ बी की वैल्यू हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं ए, राइट? और जो ए है ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, राइट? क्योंकि ये क्वांटिटी जो ए है वो 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी, राइट? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो ए होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ए है ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई माइनस एच की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, राइट?
और इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की, वो हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस एच, राइट। तो अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई माइनस एच की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ गई, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यहाँ पर हमें ज़ीरो मिल जाएगी। तो इसी तरीके से चलिए अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ हमने x इक्वल टू पाई माइनस एच लिया था, तो यहाँ पर हम ले लेंगे पाई प्लस एच, राइट। तो पाई प्लस एच जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा पाई है, तो पाई प्लस एच जो होगा कहीं यहाँ पर होगा, राइट। तो जब यहाँ पर जो क्वांटिटी हमारे पास एच है, एच लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड वन, राइट। तो अब देखिए साइन पाई माइनस पाई प्लस एच की वैल्यू जो है फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन जो है कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, राइट। तो जैसे पाई माइनस एच के केस में हमने एक लाइन जो है अबव द एक्स एक्सिस खींची थी, जो इस कर्व को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसी तरीके से जब हम यहाँ पर पॉइंट पाई प्लस एच लेंगे, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जो कर्व है इस पर एक लाइन खींचेंगे, जो कि इस पॉइंट को हम यहाँ पर सी ले लेते हैं, राइट। तो सी पर इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पर अब हम एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर डी ले लेते हैं, राइट। तो अब देखिए कि यहाँ पर साइन पाई प्लस एच की जो वैल्यू होगी वो होगी ओ डी, राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास साइन पाई प्लस एच की आएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे ओ डी, राइट। तो चलिए इस डिस्टेंस को हम बी ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम इसे बी ले लेंगे, तो अब ये जो बी है हमारे पास, दिस बी इज ग्रेटर देन माइनस वन बट लेस देन ज़ीरो, राइट। क्योंकि ये जो लेंथ है हमारे पास ओ डी, ये वाली लेंथ जो होगी वो माइनस वन से ग्रेटर होगी, बट इट इज लेस देन ज़ीरो, राइट। तो अब हम यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन को अप्लाई करें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बी जो होगा वो माइनस वन आ जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि जो बी की वैल्यू है वो माइनस वन और ज़ीरो के बीच में लाई करेगी, राइट। तो उन सारे नंबर्स का जो नंबर्स माइनस वन और ज़ीरो के बीच में होंगे, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो माइनस वन होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बी की वैल्यू हम यहाँ पर माइनस पॉइंट फाइव ले लें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 0.5 जो होगा वो माइनस वन हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर जो राइट हैंड लिमिट है वो हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई प्लस एच, राइट। एंड दिस वैल्यू दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई प्लस एच जो है, ये तो बी हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारी माइनस वन, तो ये लिमिट आ जाएगी माइनस वन, राइट। तो जो राइट हैंड लिमिट होगी इस फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की व्हेन एक्स टेंस टू पाई, दिस इज माइनस वन, राइट। तो अब हमने यहाँ पर इस डिस्कशन से ये देखा कि जो लिमिट है यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट वो ज़ीरो है, यानी कि फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रही है। राइट हैंड लिमिट इज माइनस वन विच इज़ ऑल्सो फाइनाइट एंड इट डज एग्जिस्ट, बट बोथ द लिमिट्स आर नॉट इक्वल, राइट। सो द लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती हैं, तो तब हम ये क्लेम करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई
ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो इस तरीके से हम बाय मेथड ऑफ ग्राफ वी कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ लिमिट्स।